हे फिनेंसिंग व्यूअर्स, तो मार्केट में एक और बड़ा न्यूज़ आ गया है, उसको भी जानना चाहिए हम लोगों, क्योंकि ये न्यूज़ मार्केट में एक बड़ा असर दिखा सकता है मंडे से। तो ये न्यूज़ है, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले ने हमारे इंडिया के जो इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वो कैसे की रोल प्ले कर रहे हैं फ्रांस के डिफेंस सिस्टम में, इसके बारे में उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डाला है 17th of December को। तो वो स्टेटमेंट पहले तो हम सुनेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स, पांच ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर नज़र रखना चाहिए आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि ये डिफेंस के स्टॉक्स मार्केट में धूम मचा सकता है गाइस। तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि मैडम ने क्या कहा है। Sometimes seems to be lessened. France, more than any other country, understands the necessity of the Indian continent. And we are fully committed to the Making India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chains. Make in India has been a reality for French industry for several years, particularly for defense equipment such as submarines. वैसे ही कलेक्शंस मूड में और बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, वहाँ पर डिफेंस की तरफ से इस तरीके का न्यूज़ आना डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस सेक्टर्स में जो पांच अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर नज़र रखना चाहिए हमें, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस मार्केट पे वो स्टॉक्स भाग सकते हैं गाइस, खास करके सबमरीन या फिर जिस तरीके का शिप बिल्ड करने वाला स्टॉक्स भी अच्छे मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नज़र डाला जाए इन स्टॉक्स के ऊपर। हमारा पहला कंपनी है भारत फोर्ज गाइस, और ये 1961 में सेटअप हुआ था और एक इंडिया का लीडिंग फोर्जिंग कंपनी है। बट ये कंपनी बहुत अच्छे से जाना जाता है इनके डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम्स की वजह से, जो स्पेस एटलरी गन्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, प्रोटेक्टिव व्हीकल्स और भी बहुत सारे डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मॉल आर्म्स बनाती है, इसके लिए जाना जाता है। अभी इसका करंट मार्केट कैप जितना है वो है 32,640 करोड़ का, इसका ऑल टाइम हाई है 848 का और अभी ट्रेड कर रहा है 701 में। और इसका अगर पी देखे तो 39.5 का है, जो कि अगर डिफेंस सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो अच्छा है। और नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है, डेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कैश फ्लो भी 501 करोड़ के आसपास का है, और बहुत ही अच्छा कंपनी। और इसके वजह से बहुत सारे ब्रोकर फार्म ने अच्छे टारगेट भी दे के रखे हैं, लेकिन ये जो टारगेट मैं दिखाने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाइंग का कॉल नहीं है गाइस, ये खुद से आप पहले रिसर्च कीजिए उसके बाद ही कीजिए, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो जो ब्रोकर फार्म है यहाँ पर आप देख सकते हो, नमूरा इंडिया ने 924 का टारगेट दिया है, सीएलएसए ने 900 का टारगेट दिया है, एडलवाइज ने 880 का टारगेट दिया है, HDFC ने 860 का और मोतीलाल ओसवाल ने 850 का टारगेट दिया है गाइस। और हमारा जो सेकेंड स्टॉक है गाइस वो कोई और नहीं है, गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, और ये कंपनी 100+ वॉरशिप डिलीवर्ड कर चुके हैं इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो सबसे अच्छी बात है इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो 2,526 करोड़ का, एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये खास करके शिप बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, डिफेंस सेक्टर्स में इस चीज़ में काम करता है। और जैसे कि बताया था सबमरीन, तो शिप बिल्डिंग भी इसी फील्ड में आता है, शिप बिल्डिंग सबमरीन, तो इनके लिए इस कंपनी को थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा मिल सकता है मोमेंटम। तो अभी इसका करंट PB 12.6 है, एक अच्छा मतलब वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है, 220 का प्राइस है और 280 का हाई था। तो सबसे अच्छी बात इस कंपनी का, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये कंपनी का जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो आने वाले दिन बहुत ही अच्छा मान रहे हैं, और जिस तरीके डिविडेंड देते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, डेटर डे भी 83 डेज से 56 हो गया है, मतलब डेटर डे रिड्यूस हुआ है। और इसी के रीजन्स पे ICICI सिक्योरिटी ने इस स्टॉक्स के ऊपर 255 का टारगेट भी दिया है। तो ये टारगेट बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, तो आप अपना स्टडी खुद कीजिए उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। हमारा जो थर्ड कंपनी है भारत डायनामिक्स है गाइस, और ये कंपनी बेसिकली इंगेज्ड है मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग में,
और ये कंपनी सबसे कुछ तीन अच्छी बातें जो इस कंपनी के बारे में मुझे लगता है, ये कंपनी ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज़ को डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पहला। सेकंड, इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांग है। जनवरी 21 के हिसाब से 8,100 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है कंपनी के पास, और ये कंपनी पहले भी स्टार्टअप में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, इस प्रोग्राम में काम कर चुका है, तो कंपनी को पता है आने वाले दिन कैसे काम को अंजाम देना है। और थर्ड, ये कंपनी एक वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स है, जबकि इसका बुक वैल्यू 147 का है, और सबसे अच्छी बात है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, तो इस कंपनी में नज़र रखना चाहिए। ये एक जीरो डेट कंपनी आप बोल सकते हैं, जबकि इसका डेट है 7.13 करोड़ का, और इसका फ्री कैश फ्लो है 1,012 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट भी आता है एनुअली वो है 332 करोड़ का गाइस, और इस पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी 74.9% का है, ऑलमोस्ट 75% का, तो इस स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना चाहिए, और ये स्टॉक्स डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देता है गाइस। गाइस हमारा सेकेंड स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, और ये कंपनी बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, एरोस्पेस में, एयरक्राफ्ट में, और ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसको रिपेयर भी करते हैं, प्राइवेट जेट बनाते हैं, एज वेल एज हेलीकॉप्टर्स भी रिपेयर एंड बिल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी मोदी जी के गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तरीके के डिफेंस के ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर जिस तरीके का काम बढ़ा रहे हैं, और इसके वजह से इस कंपनी को बहुत अच्छे अच्छे काम मिले, और ऑर्डर बुक भी बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी का अगर करंट मार्केट कैप की बताएं तो वो है 41,722 का, और अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 1,248 का है, जबकि इसका हाई था 1,568 का, तो इसका वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.9 का है, जबकि इसका बुक वैल्यू है 493 का। कंपनी का ROC एंड ROE लुक्स वेरी सॉलिड, और EPS भी बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी बात है ये कंपनी भी एक डेट फ्री कंपनी है गाइस। इसका डेट है 6.31 करोड़ का, जबकि इसका नेट प्रॉफिट है 3,517 करोड़ का, और इसके पास जो कैश फ्लो है ना वो ज़बरदस्त है। ये इसको एक कैश रिच कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो कैश है, कैश फ्लो पड़ा हुआ है वो 13,947 करोड़ का है गाइस। तो इस तरीके से अगर देखेंगे इस कंपनी का सब कुछ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ऊपर से कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही ज़बरदस्त देता है 2.4% का, और इसका डेटेड डे भी रिड्यूस हुआ है गाइस, 169 डेज से 90 डेज तक आ चुका है। फिफ्थ कंपनी का नाम बताने से पहले आपको जो पिक्चर दिखाया जा रहा है उस पर आपको नाम भी सही से दिख रहा होगा, तो ये कंपनी बेसिकली अभी एक कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है जो कि है शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो गाइस देख लीजिए पिक्चर्स देखे आपने वो है जिस कंपनी का, वो है LNT गाइस, लार्सन टुब्रो, और इनका एक छोटा मोटा हिस्सा आपको देखने को मिलता है डिफेंस सेक्टर में गाइस, और इसका जो प्रोजेक्ट अभी मैंने देखा है शिप बिल्डिंग पे वो बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास करके ये कंपनी सब मरीन बनाते हैं, ये कंपनी मरीन इंजीनियरिंग में इंड टू इंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और हर एक तरीके का जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड काम है वो इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से आता है, और इनका न्यू जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड सब मरीन का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने दिखाया शिप बिल्डिंग का, तो इस कंपनी पे भी आपको नज़र रखना चाहिए फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म। स्टॉक्स तो मैंने बता ही दिया लार्सन टुब्रो, इसका करंट मार्केट कैप जो है वो 2,59,488 करोड़ का है, जबकि इसका करंट प्राइस चला है 1,842 का, और इसका हाई था 1,983, लो था 1,154 का। स्टॉक का जो पी है 29.8 का, बुक वैल्यू 545 का, और डिविडेंड भी ठीक ठाक देता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है, मतलब अच्छा है अगर इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये एक स्टेबल कंपनियों में से एक है, मतलब बहुत ज़्यादा भागेगा भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने का चांसेस भी कम है, और हाँ इसका डेट थोड़ा ज़्यादा ही है 1,27,072 करोड़ का, और ये अपने डेट टू इक्विटी के मामले में 1.66 चला जाता है, जबकि एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है तो इतना डेट तो बनता है गाइस, और इसका इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर करो तो थोड़ा ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो देखें तो 21,922 का है, और नेट प्रॉफिट एनुअली 8,753 का है,
जो कि सही है एज पर इतनी बड़ी स्टेबल कंपनी के लिए। और सबसे अच्छी बात, इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाइंग का कॉल दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, कॉन्सिडर कर सकते हैं। गाइज, यही वो पांच कंपनी है जहां पर हमें नज़र रखना है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। यहां पर एक मोमेंटम कल से देखने को मिल सकता है मार्केट खुलने के बाद, क्योंकि ये न्यूज़ एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और उनके साथ साथ एक और कंपनी के बारे में बता देता हूँ जिस पे भी आप फोकस रखते हो एक बोनस शेयर की तरफ से। तो ये है पारस डिफेंस गाइस, ये नीस टेक्नोलॉजी, स्पेस डिफेंस और भी बहुत सारे जैसे EMP सॉल्यूशंस, हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस पे भी काम करता है और मिसाइल्स पे भी काम करता है गाइस। एक बहुत ही यूनिक टाइप का कंपनी है, बहुत ही अलग अलग सेगमेंट पे बिजनेस करता है और डिफेंस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इस पे भी आपको नज़र रखना चाहिए और देखते हैं मंडे को कि क्या होता है मार्केट पे। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस और होप यू लाइक दिस वीडियो। और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आने वाले दिन बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।